आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारे भोजन में किसी न किसी प्रकार की कोई कमी रह ही जाती है, जिससे हमारे शरीर में अनेक रोग और समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। वैसे तो सभी विटामिन हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं, मगर विटामिन B12 एक ऐसा तत्व माना गया है जिसकी कमी से शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। यह विटामिन हमारी कोशिकाओं में पाए जाने वाले DNA की मरम्मत व उनको बनाने में, उनको मजबूत करने में काफी सहायता करती है। विटामिन B12 ब्रेन, स्पाइनल कार्ड जैसे मुख्य तत्वों की रचना करने में मुख्य भूमिका निभाता है। अगर हमारे हाथ पैरों में झंझनाहट और थकान होती है तो शरीर में कौन सी विटामिन की कमी है और इसकी कमी के क्या कारण है, ये सब हम आज जानेंगे। शरीर के सभी हिस्सों के लिए अलग अलग प्रोटीन बनाने के कार्य को पूरा करने में भी सक्षम है। यह विटामिन B12 लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में भी सहायक है। यह ऐसा विटामिन है जिसका अवशोषण हमारे आंतों के द्वारा किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि अगर हमारे हाथ पैरों में झंझनाहट और थकान होती है तो इसके कारण कमी क्या है और इसको कैसे पूरा किया जा सकता है। पहली कमी अनुवांशिकता को माना गया है। पहले जिस तरह आपके परिवार के किसी सदस्य को यह प्रॉब्लम है तो आपको भी यह प्रॉब्लम होना निश्चित है। दूसरा है क्रोनजस जैसी गंभीर बीमारियों के कारण ही आते विटामिन B12 का अवशोषण नहीं कर पाती। आपके आंतों में पहले कोई सर्जरी हुई है तो भी इसका मुख्य कारण हो सकता है। एनीमिया और डायबिटीज के मरीज मेटफार्मिन दवा काफी समय तक लेने से भी विटामिन B12 खत्म होने लगता है। अगर किसी व्यक्ति में एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी लंबे समय तक रहती है तो उसमें भी B12 की कमी होती है। याददाश्त का कमजोर होना, सिर दर्द होना, अत्यधिक थकान महसूस करना आदि प्रमुख लक्षण है। हाथ पैरों में जलन व झंझनाहट जैसी समस्या उत्पन्न होना यह भी एक कारण है। और इससे कैसे बचा जा सकता है, आइए जानते हैं। हमारे शरीर में अगर यह लक्षण दिखाई देने लगता है तो हमें तुरंत विटामिन B12 की जांच करवानी चाहिए। कई लोग इन लक्षणों पर ध्यान नहीं देते हैं जिसके कारण यह बीमारी बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है। यह हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकता है। शाकाहारी लोगों को अपने खान पान में अधिक ध्यान देना चाहिए। उन्हें दूध से बनी चीजों का सेवन, बता दें कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में इसकी मात्रा 400 से 500 मिलीमीटर होना जरूरी है। इस बीमारी का पता अगर समय रहते हो जाए तो हम दवाई और खान पान के द्वारा इसे दूर कर सकते हैं।